यही भावना मैं यहाँ आज आप लोगों के बीच में उनके बारे में व्यक्त करने इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने भी सोचा है राजनीतिक रिश्ता है। राजनीतिक रिश्ते में लोग आते हैं जाते हैं, खुशी के टाइम में दिखते हैं, दुख के समय में गायब हो जाते हैं, ये सब बहुत देखने को मिला। परंतु एक व्यक्ति था जिसने शुरू से लेके अंत तक साथ देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, वो थे हमारे धन सिंह जी। आपने मिलाया था, कैसे मिले मुझे वो याद नहीं, मेरी जिंदगी में आया है, आपने मिलाया मुझे और मैंने ये सोचा, मैंने कहा ठीक है, ये सब बन रहा था उस समय, आपको याद होगा शादी हो रही थी, उसके पहले ही कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई सगाई के दस्तूर में आई थी मैं, और सोचा कि ठीक है मिले हैं ऐसे बहुत लोग मिले। फिर उन्होंने मुझे बुलाया और फिर मैंने देखा कि उन्होंने जिस तरीके से लोगों को साथ लेकर प्यार से बांधने का काम किया है, राजनीति में बड़ा मुश्किल काम होता है, तो उनने किसी के साथ राजनीति नहीं की, उनको सब परिवार जैसे माना। और मुझे याद है जातियों को, समाजों को, मजहब को, सबको उनके बीच में डिफरेंस नहीं किया, ये अलग है। मुझे याद है कि एक बहुत बड़ी हमारे मुसलमान समाज के लोगों की इतनी बड़ी मीटिंग की जिसको उन्होंने मेरे को कहा कि आपको अटेंड करना पड़ेगा, तो मैंने कहा कि कहाँ कर पाओगे तुम, तो वो जाके देख मैंने आंखें खुली रह गई। उन्होंने भी उतना ही प्यार दिया, अलग अलग समाज ने उनको प्यार दिया और उन्होंने अलग अलग समाज को प्यार दिया। तो ये जो क्षति है वो आप सबकी ही नहीं है, वो मेरी भी पर्सनल है, मेरी खुद की है। और आज मैं जोगिंदर राजेंद्र जी और उनके परिवार के बीच में इसलिए आई हूँ, और देवी सिंह साहब मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने भी इस बार में परिवार के साथ अपने आप को जोड़ करके धन सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती थी। आज सुबह हमने कार्यक्रम तय किया था कि अपन करेंगे, मैंने कहा मुझे प्रसादी कराओगे, ये सब सोच करके मैं आप लोगों के बीच में आई थी। और बाड़मेर, जैसलमेर, इलाके के सब मंदिर मेरे मंदिर हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो अपने घर के परिवार के हैं क्योंकि यहाँ बहुत प्यार मिला है। सड़क पे खड़े जाओ तो आके प्यार करते हैं, बात जब होती है तो यहाँ के लोगों ने कभी किसी भी किस्म से प्यार में कभी नहीं छोड़ी। तो मैंने कहा उसके साथ साथ धन सिंह जी ने मुझे उनके साथ जो काम किया उसको भी मैं नहीं भूल सकती, आज भी मैं आई। अच्छा एक चीज़ आपको ध्यान दिला दूँ, इनके मुंह में कोई सोने का चम्मच नहीं था, इनके मुंह में कोई चांदी का चम्मच भी नहीं था, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने संघर्ष बड़े करीब से देखा। मैंने बहुत छोटे थे जब उनकी मदर गुजर गई थी, उसके बाद नानी ने बड़ा किया, छोटे छोटे काम से शुरू की, मेहनत की, पसीना बहाया, रोड रोलर चलाया, लोगों के साथ काम किया, मेहनत में शर्म नहीं था। आज लोग को लगता है ना कि अगर मेहनत करते हैं तो शर्माते भी हैं, परंतु मैं तो समझती हूँ कि जो आदमी वहां से शुरू होता है और ऊपर तक जब जाता है और उसके व्यवहार में कोई फर्क नहीं होता है तो वो तो एक बहुत बड़ा आदमी। ऐसे आदमी के साथ मिलना मिलाना, फिर जब वो बड़े आदमी हो गए, एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर से उनसे मुलाकात की और फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आज आपको ये सब दिखाई दे रहा है। परंतु ये तो दिखाई देने वाली चीज है, दिल को तो कोई देख नहीं सकता। ये सब लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो प्यार की वजह से, और वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एक एक आदमी को अपने साथ जोड़ा है। ये ऐसे नहीं आए, ये आए अपनत्व की वजह से, ये आए क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में उसको छुआ है, उसके दिल को छुआ है। अब ऐसे व्यक्ति कब मिलते हैं, आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था चित्तौड़ में, मैंने इनको कहा था कि मैं 11:30-12 बजे तक जरूर आ जाऊंगी, तैयारी में था, हेलीकॉप्टर वगैरह मुझे आपकी वजह से। फिर उसके बाद जब ये हुआ तो वहां जाके आज मेरे को ये बोला कि फिर 2 घंटे के लिए अभी फ्लाइट नहीं अलाउ होगा, मैंने कहा चलो उसको छोड़ो,
भाई कार चलो जहाँ वो है पार्क, जितनी दूरी में पार्क है वहां जाके उस हेलीकॉप्टर को लेके जितने जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि राजनीति में दिल की बातें बहुत कम होती हैं और जब मिल जाती है तो ऐसे समय को छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए आज मैं भी, मेरा ये एक किस्म से गर्व है मुझे कि इस परिवार के साथ मुझे भी जुड़ने का मौका उन्होंने दिया और आज इतने विशाल परिवार के साथ हमको जुड़ने का मौका मिला है। आप लोग सब आए हो, आप लोगों ने भी अपने श्रद्धा के समन अर्पित किए होंगे, आज मैंने भी किए हैं, पर मेरा यही है कि इस परिवार को भगवान सुख और समृद्धि दें। जिस व्यक्ति ने इतने लोगों को सुख और समृद्धि दी है उसको, उस परिवार को उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आज मैं भी उसके बीच में अपनी भावना व्यक्त करने के लिए आई हूँ और मुझे तो विश्वास है कि इस परिवार के इस प्रेम की भावना को देखकर ऐसे ही रहना, बदलना मत, आप लोग कोई भी बदलना मत, ऐसे ही रहना, क्योंकि यही चीज है जो आखिर में, यही चीज है जो आखिर में हम लोगों के काम आती। जन्म से बुढ़ापे तक लंबा रास्ता है, जवान होते हैं हमको लगता है कि अरे कुछ भी नहीं, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं है, और जैसे जैसे धीरे धीरे उम्रदार बन जाते हैं तो हम लोगों को समझ में आती है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ ये लंबा रास्ता है, हमारे जीवन का रास्ता है, उस जीवन के रास्ते के अंदर हमने इनका साथ, उन्होंने हमका साथ, हमारा साथ, और हमने मिलकर इस परिवार के साथ अपने आप को जोड़ने का काम किया है। इस रिश्ते को अपने को कायम रखना है, बदलना मत, ऐसा ही प्यार एक दूसरे के साथ करते रहना, इसी में आपकी ताकत है, ये ताकत है, जोरदार ताकत है, इस ताकत को बनाए रखें। सबको मेरा बहुत सारा प्यार, थैंक यू जोगिंदर, आप और राजेंद्र, आपके परिवार को भगवान शक्ति दे, ताकत दे, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्षति है, इस क्षति को सहन करने के लिए आपको ताकत दे, हम सब हैं, तो आपको काय की चिंता करने की जरूरत है।